हेलो माय डियर वॉरियर्स, आई एम नेहा सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये फिजिक्स के क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, हर डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए, रेलवेज़ के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। रेलवेज़ डिफेंस का एग्ज़ाम चाहे वो सीडीएस हो, एमएनएस हो, एफकेट हो या फिर आर्मी जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम, उस सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और वन मोर थिंग, इसका मैंने क्वेश्चन 51 to 50 क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, इसके पहले मैंने अपलोड किया है, और ये नेक्स्ट 51 to 100 होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द मून सर्फेस एस्ट्रोनॉट सी अ ब्लैक स्काई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको मून का जो सर्फेस है वो ब्लैक क्यों दिखता है? वो दिखता है अब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर ऑन मून। जो वहाँ का एटमोसफेयर होता है, वहाँ पे मून पे एटमोसफेयर नहीं होता है, एबसेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विथ इट्स, तो ये मटेरियल। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज्ड विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ये ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स? तो ये फॉल्स है, ये इट रिमेन अनचेंज्ड, ये कभी चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? तो वो है न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन, जो सन का टेम्परेचर है उसे नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर से सन का टेम्परेचर देखा जाता है, ये कितना टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच फिनोमिना ऑकर व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, कौन सा फिनोमिना है जिससे लाइट पास जब करती है डेंसर टू रेयरर मीडियम में? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, तो ये इंसुलेटर, ये इंसुलेटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो ये 332 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट, तो ये है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ, परमानेंट मैग्नेट किस चीज़ के बने होते हैं? वो बने होते हैं स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ड्यूरिंग अ फॉग द विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ विच फिनोमेना, जब फॉग होता है तो विजिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्यों, किस फिनोमेना पे? तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड इन अ स्पेसशिप इज ड्यू टू, ये होता है एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज ऑब्जेक्ट, तो ये सोनार है डिवाइस, सोनार डिवाइस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, कौन, क्या है जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है? तो ये होता है रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा एलिमेंट है जो यूज़ किया जाता है मॉडरेटर की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में? तो ये ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं जो लाइट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी करता है कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड, जो यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या है? क्यूरी, इसका यूनिट है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ टू एस्केप फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71,
व्हाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स? तो ये एंगस्ट्रॉम के एंगस्ट्रॉम्स का यूनिट है. नेक्स्ट 72 क्वेश्चन, अ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज, तो ये होता है पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में 73, व्हेन डिड आइंस्टाइन प्रपोज दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो ये 1905 में किया था इन्होंने. क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये होता है कैंडेला. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये मैक्सवेल है. मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है मैक्सवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस, तो ये 392-700 नैनोमीटर्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अ वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो वॉशिंग मशीन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, करती है सेंट्रीफ्यूगेशन पे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पे काम करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो क्या होता है, व्हाट हैपन टू इट्स एक्सेलरेशन, तो ये होता है इट रिमेन कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहता है. क्वेश्चन नंबर 80, मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं वो किस टाइप के लेंस से बनी होती हैं, वो बनी होती हैं कॉन्वेक्स लेंस. तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट कलर विल अ रेड ग्लास अपीयर इफ इट इज हीटेड इन डार्क रूम, तो ये ग्रीन हो जाता है. अगर रेड ग्लास को हम हीट करते हैं डार्क रूम में तो ये ग्रीन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट हैपन टू द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर व्हेन अ डिटर्जेंट इज एडेड टू इट, तो ये डिक्रीज कर जाता है. वाटर में जब हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी का है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, तो ये एट पोल्स पे, जो जी की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, एट पोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट, तो ये एल्टीमीटर से किया जाता है. जब भी किसी एयरक्राफ्ट का मेज़र करना होता है एल्टीट्यूड तो वो एल्टीमीटर से मेज़र करते हैं. नेक्स्ट 85, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेज़र चेंज इन अ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो ये डायलेटोमीटर, डायलेटोमीटर से करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेज़र डेप्थ ऑफ ओशन, जो किसी भी ओशन समुद्र की गहराई नापी जाती है तो वो किस चीज़ से नापी जाती है, तो किया जाता है फैदोमीटर से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड विद अ, तो ये वाट मीटर से करते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर हमें मेज़र करना होता है तो वाट मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, तो ये नेफिलोमीटर से करते हैं. इंस्ट्रूमेंट का नाम है नेफिलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, तो मोर इलास्टिक क्या होता है, स्टील या रबर, तो ये स्टील होता है. क्वेश्चन नंबर 90, विच इज़ द ओनली नेचुरल मैग्नेट, तो ये मैग्नेटाइट होता है. मैग्नेटाइट है जो, ये नेचुरल मैग्नेट है मैग्नेटाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट प्रिंसिपल इज यूज इन द डिज़ाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन्स, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करके बनाया जाता है शिप और सबमरीन्स, तो ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल से के अप्लाई करके बनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, न्यूक्लियर फिजन आर इनिशिएटेड बाय, तो ये न्यूट्रॉन्स किया जाता है, न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ, तो ये नाइक्रोम्स, नाइक्रोम्स करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर मेड जो वायर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरिंग सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव आर यूज, जब सोनोग्राफी होता है तो कौन सा वेव यूज़ होता है, तो ये होता है अल्ट्रासोनिक वेव. तो बहुत लोग बोलते हैं ना अल्ट्रासाउंड करा के आए, वही अल्ट्रासोनिक वेव्स से सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड बल्ब वाज डिस्कवर्ड बाय, जो डायोड बल्ब है उसको किसने डिस्कवर किया है, तो ये किया है सर जे एस फ्लेमिंग ने, सर जे एस फ्लेमिंग.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, हु गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी? तो ये किया है कैवेंडिश ने, कैवेंडिश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, हु हैड शोड दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम? तो ये है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून? जो एस्केप वेलोसिटी है मून की वो क्या है? तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, व्हाई डज अ लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप? कोई पानी का बूंद गिरता है तो वो स्फेरिकल मतलब सर्कल टाइप का कैसे हो, क्यों हो जाता है? तो ये होता है टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स? तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के द्वारा होता है ये. और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे चेक कर सकते हैं. उसमें मैंने 1 to 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और बाकी 51 to 100 इसमें किए थे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव लगे हों, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.